इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप में हम पीसी में रन करते हैं व्हाट्सएप को और कुछ डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा हुआ था इस तरीके से, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ रहा है, कुड नॉट डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ट्राई अगेन इफ द प्रॉब्लम्स कीप हैपनिंग, टर्न ऑफ वाईफाई, वीपीएन कनेक्टिंग, डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क वगैरह। तो इसको सबसे पहले ओके कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें तो आपका गैप यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एक महीने पुराना डॉक्यूमेंट या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा होता है तो आपको दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल इसको क्लोज कर दीजिए व्हाट्सएप को, और डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप जाइए यहाँ पर अपने स्टार्ट्स के ऑप्शन पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट्स के ऑप्शन पर चलता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लीजिए, आप जाइए सीधा सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप जाइए ऐप्स में, ठीक है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको नीचे चलता हूँ, तो यहीं कहीं पर होगा हमारा व्हाट्सएप, इसको फाइंड कर लीजिए। व्हाट्सएप इसको खोलिए यहाँ पर, और इसके एडवांस्ड ऑप्शन पर जाइए। एडवांस्ड ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर साइड में जाइए और यहाँ से इसको एक दफ़े रिस्टार्ट मार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मतलब आपको परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, एक दफ़े कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आपको डेटा नहीं गंवाना है तो फिर आप जो है यहाँ से, वैसे अगर आपको व्हाट्सएप में चलता होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। बाकी यहाँ पर रन्स, प्लगइन, लॉगिन्स वगैरह को सबको इनेबल करके रखिएगा और परमिशंस को भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक ला दीजिए और यहाँ से बैक ला दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जाइए और यहाँ से आप इसको इस पर टिक कर दीजिए, इस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर थोड़ी देर ले गए बट आपको सबसे पहले अगर आपका नेटवर्क कनेक्ट नहीं है तो नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिए, और इस तरीके का प्रोसेस आपके में ये चलेगा, ठीक है, डिटेक्टिंग वाला, ठीक है। अगर डिटेक्ट हो जाता है आपका कोई इशू, ठीक है, डिटेक्ट होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है, बट इसे पूरे को प्रोसेस को चलने दीजिएगा, ठीक है। आपको दिखाएं तो अप्लाई ऑटोमेटिकली पर क्लिक करिए, कोई वाईफाई होगी तो एक्चुअली में वो यहाँ से ऑटो कनेक्ट होकर और रन कर जाएगी, ठीक है, बट यहाँ पर आप वेट ज़रूर करिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली सब चीज़ कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब चीज़, आपका जो इशू होगा जो भी होगा फिर से काट दीजिए और दोबारा व्हाट्सएप को यहाँ पर ओपन करिए। मैं ओपन करता हूँ इसको और उसी जो है पेज पर चले जाइएगा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा नेट वगैरह सब चीज़ वगैरह कनेक्ट है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लिक हो रहा है और डाउनलोड होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा MB का है, तो हम इसे क्लिक करके रख देते हैं। लेकिन पहले वाला इशू ये हमें नहीं बता रहा, जो पहले एकदम बता रहा था कि डाउनलोड नहीं हो रहा, अब यहाँ पर ये चल रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, क्या प्रोसेसिंग है, बाकी ये वाला जो इशू है यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।